तुम ऑर्डर किए, कैसा लग रहा है? हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मस्टर्ड आर्ट मी टू। तो कितने दिन बाद मैं गाड़ी में स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। तो अभी बज रहा है टाइमिंग, आप देख सकते हो दिख रहा है टाइमिंग इसमें। तो अभी 9:50 हो गया है और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला था कल जाएंगे, तो सुबह तो मिठू जी का ऑफिस रहेगा इसलिए वो कल तो नहीं जा सकते, इसलिए आज जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या था, शाम में इतना लेट जाने का रीज़न कि मिठू जी इतना ज़्यादा घूमने सीख गए, मैं क्या ये बोलूँ। तो शाम में ऑफिस से आते फिर निकल जाते, फिर निकल गए थे और मतलब 9:30 कुछ में आई है, फिर आए जल्दी जल्दी, उसके बाद मतलब 9 के आसपास आए, उसके बाद फिर फटाफट रेडी वेडी हुए और फिर अब भी निकल रहे हैं घर से। जाते जाते तो मुझे लगता है 10:30 बज जाएगा। चलो कोई नहीं, और ये लेके आ रहे मेरे लिए। सो गाइज, हो गया हमारा आरती। मैं ऐसे सीन ले रही हूँ गाइज क्योंकि कैमरा बैग से पकड़ने के लिए अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, तो मैं ही ले रही हूँ। मेरा सीन बहुत कम आएगा क्योंकि मिठू जी तो ऑफिस चलेगा और ननद हमारी जो अभी वो नहा ही रही है, उसका भी स्कूल रहता है इसीलिए, और यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो फ़ोटो सारा मिलेगा आपको फेसबुक में। सो प्लीज़ गाइज, आप लोग फेसबुक पर जाइए, आईडी है misty.mithu, फॉलो कीजिए, ढेर सारा लाइक दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। और यहाँ पे मम्मी मेरे को टीका लगा रही थी, फिर यहाँ पे भी फ़ोटो शोटो किए शूट, और इसके बाद बता रहे थे कि मुस्कान जी भी आ गई, तो ये सब। लेकिन वो मुस्कान बोली कि हाँ रुको रुको, कैमरा पहले दे दे भाभी को तब लगाएंगे, फिर ये सब बात हुआ। तो मैं फिर कैमरा ले ली, तो फिर मम्मी उसको भी लगाई, और फिर हम पापा नीचे ही चले गए थे, फिर पापा को बोले कि आ जाइए फ़ोटो वगैरह शूट करा ले। तो फिर हम पापा मम्मी सब मुस्कान सारे मतलब फ़ोटो शूट किए, फैमिली फ़ोटो शूट। अष्टमी के दिन अच्छे से और करेंगे जब रेडी वेडी हो जाएंगे, मिठू जी भी रहेंगे। और यहाँ पे हम लोग कह रहे थे स्माइल कीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे भी लग गया, ये भी पूरा हंस रही थी कि अब मेरा भी टीका अच्छे से लग गया, ये भी अभी जस्ट नहा के आई। तो चलो गाइस चलते हैं अब नीचे। हमारा पूजा हो गया अच्छे से, थोड़ा जल्दी जल्दी हुआ क्योंकि सुबह मतलब पापा का स्कूल था, तो हम लोग जल्दी जल्दी किए पूजा। मम्मी का पूरा चीज लिए भी नहीं, मम्मी भी जल्दी जल्दी सजा रही थी, पापा का था स्कूल तो मम्मी भी थोड़ा सा, नहीं तो मम्मी आराम से अस्थिर से ही करती। और मैं यहाँ पे एक चूड़ा भी दिखा रही हूँ मम्मी से, मम्मी देखिएगा कैसा चूड़ा, अभी कई बार ऐसा भी होता है क्या, ये देखिए इसको हम ऑर्डर किए, कैसा लग रहा है। कहाँ से मिलता है आपको ऐसे ऐसा? आ देखिए ना लिखा हुआ कितना अच्छा है, भव इसको हम सोच रहे अष्टमी के दिन पहने, अच्छा रहेगा ना। तो अभी अष्टमी के दिन पूजा करेंगे, उसी दिन ही पहनेंगे, और अभी इसको जूठा उठा नहीं कर रहे इसलिए इसको न्यू रहेगा। तो आपको कैसा लग रहा है ये चूड़ा जरूर कमेंट कीजिएगा, और ये चाहिए होगा तो बोलिएगा, मीशो में ये अभी ऑफर भी चल रहा है, आपको मिल जाएगा लिंक, कमेंट कीजिएगा तब। फोटो ले तेरे को, अपना थोड़ा सा फेरे देगा। अच्छा जल्दी से इधर आ, इधर आ मम्मी, ऐसे करो तुम, हंसन अच्छी लगती है। तो साइज हो जाए, हाँ साइज हो जा रहा, मतलब पूरा फिट हो रहा है। और खाली चूड़ा का लीजिए ना, हाथवा का, मम्मी का भी मेरा भी, रुक के हाँ ऐसे लीजिए बस। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। सो गाइस, जैसे कि हम बोले थे कि मेरा पटियाला ठीक होके आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो मेरा मतलब सिल के आ गया, इसका बाजू नहीं लगा हुआ, तो फिर हम इसका बाजू भी लगवा है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पहले सूट दिखाते हैं आपको,
और इसका हम इस तरह बाजू लगवाए, इसका बाजू बस ऐसा था, तो हम सोचे कि, और इसका बाजू बहुत छोटा था, वरना हम सोच रहे थे इतना कम से कम, नहीं तो इतना, बट ना इतना वाला का ही हो रहा था, तो फिर हम इस तरह बाजू दिलवाए। और अच्छा लगता है जब हम डाल के देखे तो बहुत ही सुंदर लग रहा था पूरा फाइनल लुक। तो मैं जब घूमने जाऊंगी तभी आपको दिखाऊंगी, फिलहाल मैं मतलब ऐसे दिखा देती हूँ। ये रहा शूट इसका, और अंदर में मतलब इसके अस्तर दिया हुआ है, ऊपर से फिर ये है कॉटन मिला हुआ है इसमें। तो फर्स्ट ये हो गया, और इसका दुपट्टा गाइज ये रहा, रेड है दुपट्टा, फिर जाके मुझे लगा कि यहाँ पे कटा हुआ है क्या, पानी ही लगा हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा, कटा हुआ नहीं है। ये रहा रेड, और बीच में ग्रे, मतलब हाँ ग्रे है क्योंकि सूट है बीच में, ऐसे करके मान लो। तो ये दुपट्टा रह गया, मैं सामने से भी दिखा देती हूँ, इसमें बूटा 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 वो जो चिपका हुआ रहता है वो है, और इसका पटियाला मैं दिखा रही हूँ अभी। और गाइज ये रहा इसका पटियाला पजामा, इसमें बहुत चूना दिया हुआ, बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो, रेडीमेड में बहुत कम रहता है लेकिन इस वाले पटियाला में बहुत है, क्योंकि पैसा भी बहुत ज़्यादा लगा इसके वजह से, ये थोड़ा सा पटियाला में बहुत, मतलब तो ये पटियाला मुझे बहुत अच्छा लगा कि चून हो जाता है, इसे देख सकते हो। इसका डोरी नहीं दिया, डोरी तो मुझे लेना होता है इसका अलग से। तो ये रहा मेरा सूट, सूट में जो चुंदरी छापनी कहते हैं वो वाला, बीच में आपको पता था सूट, मतलब बीच में कितना साड़ी चला था, इसका सूट चला था उसी का ये पजामा, रेड है वाइट में है बूटा बूटा करके। तो ये हो गया पटियाला पैजामा। तो ये रहा मेरा पटियाला सूट, मतलब हम सोचे थे थोड़ा आरामदायक टाइप में ले, क्योंकि मार्केट वर्केट जाए या फिर कभी ट्रैवल को ऐसा हो तो जम्मू में भी जाने के लिए ये आराम से ट्रेन में भी पहन के जा सकते, उस टाइप का लिया। और एक तो आपने देखा था जो मैंने मीशो से मंगाया था, तो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, मैंने पढ़ा है कमेंट, और रिप्लाई मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि जब मैं मीशो में जहाँ से मैं मंगाई थी ना, वहाँ पे अगर मैं लिंक लाने के लिए जा रही हूँ ना, तो वो लिंक नहीं हो पा रहा है, बार बार आउट ऑफ बता रहा है, तो स्टॉक बता रहा है, इसलिए मैं आपको वो लिंक सूट का नहीं दे पा रही हूँ। बट अगर फिर से ट्राई करती हूँ, जैसे मैं अगर इतना कर सकती हूँ कि वो सूट का नाम मैं वहाँ पे आपको पिन कर दूँगी कमेंट में, आप वहाँ जाके आप खुद भी देख सकते हो, तो अगर होगा तो ठीक है, मैं नाम लिख के वहाँ पे पिन कर दूँगी अपने कमेंट में, लिंक नहीं जा रहा इसलिए लिंक नहीं दे सकते। बाकी ये सूट आपको कैसा लगा, ये तो मैं दुकान से ली हूँ, कतरास दुकान से, और ये दोनों रह गया। बाकी एक येलो जो लिए थे मॉल से, वो तो हम जम्मू गए थे तो पहन लिए, तो वो बहुत आरामदायक था, ट्रेन में सफ़र किया तो बहुत अच्छा लगा था। तो चलो गाइज आज का ब्लॉग बस यहीं पे, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मम्मी का आज बहुत जल्दी पूजा था, मैं भी नहाई वाई, तो मेरा भी चाचा चाचा लेट हो गया था क्योंकि सुबह मिट्टू जी का भी रहता है ड्यूटी, तो टिफिन विफिन ये सब रहा, ये सब में बहुत टाइम लग गया। बट कल से क्या करेंगे हम, और सवेरे मतलब हमको लगता है 5 ही बजे उठना पड़ेगा, आज तो 6 बजे उठे हैं लेकिन कल 5 बजे उठेंगे तब जाके मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो चलो कोई नहीं, कल एक अच्छे से ब्लॉग आएगा, और मतलब जो भी पापा किताब उताब पढ़ते हैं वो सब सब डिटेल में, मम्मी क्या क्या चढ़ाती है वो सारे अच्छे से मैं कल ज़रूर डालूंगी। तो आज का बस यहाँ पे, और घर आके पूजा उजा में घर में ही अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि कल जैसे कि मैं वहाँ पे थी, पूजा उजा कर ली ना, फिर पता नहीं क्यों मुझे ना मतलब ऐसे नॉर्मल डे में ऐसे उतना नहीं लगता है, लेकिन पूजा के दिन लग रहा था कि घर ही चल जाए घर ही चल जाए, तो ऐसा लग रहा था कल। तो रात में भी रात हो गया था लेकिन फिर भी मिट्टी जी को बोले कि नहीं घर ही चलिए, तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। तो चलो आपको भी अच्छा लगता होगा पूजा का ब्लॉग, फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है। तो चलो बाय बाय, और ढेर सारा रील्स भी आएगा, वो आएगा इंस्टाग्राम में मिस्टी डॉट मीठू, और फेसबुक भी है मेरा मिस्टी डॉट मीठू, तो प्लीज़ वहाँ पर जाइए फॉलो कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, और बाय बाय।